क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आपको देखना है a इज इक्वल टू माइनस वन और d इज इक्वल टू वन बाई टू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत इजी है, इजी वे में हो जाएगा। देखना फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, हमें सेकंड से फाइंड करना है। सो सेकंड टर्म इज इक्वल टू वन प्लस टी, क्लियर। सो ए आपका क्या है माइनस वन और डी इज इक्वल टू वन बाई टू। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू प्लस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। थर्ड टर्म की बात अगर हम करें तो देखो थर्ड टर्म में क्या होगा, चलो बता दो आप फटाफट। हाँ यस, यही होगा ए प्लस टू डी। थ्री है तो टू, फोर रहेगा तो थ्री, फाइव रहेगा तो फोर, यानी कि डी एक माइनस होता जाएगा। आप देखना माइनस वन प्लस टू इंटू डी की वैल्यू वन बाई टू है, टू से टू कैंसिल, सो माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी फोर्थ टर्म की बात हम करें, क्या करेंगे फोर्थ टर्म में, देखो क्या होगा ए प्लस, चलो बताओ कितना होगा, यस थ्री डी, गुड। सो ए प्लस थ्री इंटू वन बाई टू, ए की जगह सॉरी हमें क्या रखना है वन रखना है, माइनस वन, ठीक है ना। अभी आपको देखो यहाँ पे माइनस वन बाई वन हम ले सकते हैं, प्लस थ्री बाई टू। एलसीएम लेके हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अभी इसी तरह से फिफ्थ टर्म देख लो इसका क्या होगा, फिफ्थ टर्म में होगा ए प्लस, फोर्थ था तो थ्री, फिफ्थ है तो फोर, सो माइनस वन प्लस फोर इंटू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हमारा, माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन, क्लियर है। सो इस तरह से हमारा क्या आया इसका सीरियल, आप देखो माइनस वन, फिर माइनस वन बाई टू, ज़ीरो, फिर आया आपका वन बाई टू एंड वन, क्लियर है। इस तरह से बहुत इजी वे में आप सॉल्यूशन कर सकते हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वन।